नमस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना जिंदा दिल और लोगों की आम समस्याओं को लेकर चिंतित रहने वाला राजनेता अब हमारे बीच में नहीं है, जो गरीब गुरबा और तमाम पीड़ित लोगों की आवाज़ बनकर उभरता था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जून के महीने पहले उन्हें कोरोना ने घेरा, उनका इलाज पटना में एम्स में हुआ, फिर वो ठीक भी हो गए। उसके बाद फिर दोबारा कोरोना का अटैक हुआ और दिल्ली के एम्स में वो लगातार भर्ती रहे, जहाँ पर बताया जाता है कि लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना बिहार की राजनीति में एक शून्यता है, जिसको भरना मुश्किल होगा, जिसकी भरपाई करनी मुश्किल होगी। आज के दौर के नेताओं को नहीं मालूम होगा, लेकिन जिस तरीके के व्यक्तित्व के मालिक थे रघुवंश प्रसाद सिंह, वैसा नेता दिखाई नहीं देता है आज के दौर में। इतना सादा जीवन और सबकी पीड़ाओं में सहभागिता रखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। हम लोग का तो लगातार वास्ता पड़ता रहा था उन्हें, और आरजेडी में अगर बात करें तो रघुवंश प्रसाद सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते थे, और मीडिया में इसलिए भी वो काफ़ी लोकप्रिय भी थे। हालांकि अपने मृत्यु से 3 दिन पहले ही उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, इसके बारे में सबको पता है, उनकी नाराज़गी थी पार्टी के क्रियाकलापों से। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद से वो लगातार हाशिए पर थे। पार्टी ने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी जिससे ये कहा जा सके, या उन्हें किसी सदन में भेजने की कोशिश की, इस बात की पीड़ा थी उनको। हालांकि वो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने जून के महीने में पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद 10 सितंबर को उन्होंने आरजेडी से भी इस्तीफा दे दिया। अफसोस ये है कि 3 दिन पहले जो इस्तीफा दिया, उन्होंने एम्स के आईसीयू से इस्तीफा लिखा। आप समझ सकते हैं कि क्या पीड़ा रही होगी कि एक व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहा हो और उसने इस्तीफा दिया। इस्तीफे में रघुवंश बाबू ने 4 लाइनें लिखी थी और काफ़ी इसके गहरे मायने थे। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था, जिसमें लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। इतना ही लिखा हुआ था, और उस पत्र में एक कोने में ये भी लिखा हुआ था कि पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत स्नेह दिया, लेकिन क्षमा करेंगे। ये विनम्रता भी थी उनके अंदर, और जिस सोच के वो थे, उस सोच के उस पीढ़ी के उस दौर के नेता अब नज़र नहीं आते हैं। राजनेता बनने से पहले रघुवंश प्रसाद सिंह गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, और सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया 1974 से 1974 तक वो गणित के प्रोफेसर रहे। उन्होंने बच्चों को गणित का ज्ञान दिया, लेकिन इस दौरान वो लगातार जन सरोकार से भी जुड़े रहे, सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े रहे,
जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और इसी वजह से उन्हें प्रोफेसर के पद से 1974 में बर्खास्त भी कर दिया गया। संपूर्ण क्रांति के दौर में वो लगातार जेल जाते रहे। उस दौरान करीब 11 बार वो जेल गए। आप समझ सकते हैं होंगे कि क्या जुझारूपन रहा होगा। और उसी जब जेल के दौरान ही मीसा में जब वो गिरफ्तार हुए, उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी जेल में बंद थे और वहीं दोनों की मुलाकात हुई और दोनों का जो दोस्ती की शुरुआत हम कह सकते हैं जेल से शुरू हुई। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी बिहार में तो ऊर्जा मंत्री बनाए गए रघुवंश बाबू। उसके बाद उन्होंने कई पदों को सुशोभित किया। 1996 से वो लोकसभा के लिए चुने गए वैशाली से। तब से लगातार 2009 तक वो चुने गए, 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 2004 में जब वो जीते थे तब यूपीए की सरकार बनी थी केंद्र में और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था और उसी समय उन्होंने एक स्कीम चलाई थी मनरेगा, जो आज भी काफ़ी चर्चित है, खासतौर पर मजदूरों को रोजगार देने के लिए। तो ये सोच थी रघुवंश प्रसाद सिंह, जो गरीब मजदूरों के बारे में सोचता था, उन्हें कैसे काम मिले, उनका जीवन यापन कैसे चले, इसकी सारी व्यवस्था मनरेगा के तहत हुई थी। और आज की भी सरकारें मनरेगा को चला रही हैं, उसी से मजदूरों का पालन पोषण भी हो रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन 2014 में जब वो वैशाली से चुनाव हारे और जिस व्यक्ति ने हराया, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे उस समय रामा सिंह, उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी पहली बार लोकसभा में। और उस व्यक्ति को आरजेडी 2020 में अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता था। रघुवंश बाबू की नाराज़गी इसी बात को लेकर थी। रामा सिंह का इतिहास आपराधिक इतिहास रहा है और वो राजनीति में अपराधीकरण के हमेशा विरोधी रहे। ये बहुत बड़ा कारण था उनका आरजेडी छोड़ने के की वजह बनी। और आरजेडी ने कभी ये नहीं कहा कि रामा सिंह को हम शामिल नहीं करेंगे। वो डेट पे डेट आगे बढ़ाते गए। कई कार्यक्रम रघुवंश बाबू की नाराज़गी की वजह से रद्द करने पड़े आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने कभी साफ नहीं किया कि वो रामा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। और तमाम सी बातें हैं। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद 3 पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिखा। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में लिखा है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आरजेडी के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है उस पत्र में। तो हम कह सकते थे कि वो सोशलिस्ट विचारधारा के नेता थे और कभी अन्याय होता देखकर या कुछ इस तरह की बात हो तो वो चुप बैठ नहीं सकते थे और इसीलिए उन्हें कहा जाता था, उन्हें ब्रह्म बाबा भी कहा जाता था। ब्रह्म आरजेडी में जब तक थे उन्हें ब्रह्म बाबा के रूप में जाना जाता था। ब्रह्म बाबा बिहार में सभी गांव में होते हैं, एक देवता हैं जिनको गाँव वाले कभी नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आरजेडी के ब्रह्म बाबा ने नाराज़ होकर इस्तीफा दे दिया। अब वो इस दुनिया से भी चले गए। ऐसे में अब तमाम नेताओं की श्रद्धांजलि आ रही है उनके प्रति। प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा नेता फिर पैदा नहीं हो सकता। धन्यवाद।